नमस्कार, ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। दोस्तों, गुजरात यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन लेवल बीकॉम बीबीए एमबीए एमएससी आईटी का जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट राउंड था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट राउंड के बाद क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट राउंड में टोटल गुजरात यूनिवर्सिटी के पास जो अवेलेबल सीट थी, जो बीकॉम बीबीए एमबीए के लिए अवेलेबल सीट थी, वो थी 36,669 सीट अवेलेबल थी। अब फर्स्ट जो आपका मॉक राउंड था, उसके बाद आपको एक मेरिट रैंक दिया गया था, वो रैंक टोटल 35,222, मतलब अप्रोक्स 35,000 स्टूडेंट को वो रैंक दिया गया था। प्रोविजनल मेरिट रैंक टोटल अवेलेबल सीट थी 36,669 और उसमें से जो रैंक दिया गया था वो 35,222 स्टूडेंट को रैंक दिया गया था। अब उसमें से जो कॉलेज अलॉट हुई थी, जो आपका फाइनल मेरिट आया, फाइनल मेरिट में जो कॉलेज अलॉट हुई वो स्टूडेंट है 27,033, मतलब अप्रोक्स 27,000 स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुई थी। अब अगर देखा जाए तो टोटली अभी तक 9,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई। फर्स्ट जो आपका मेरिट आया वो मेरिट तक, फर्स्ट मेरिट तक 9,000 स्टूडेंट को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। तो अब जो 27,033 स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुई थी, उसमें से 13,190, मतलब अप्रोक्स 13,000 स्टूडेंट ने एडमिशन फी एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है। मतलब अप्रोक्स 50% स्टूडेंट एग्री है, उन्होंने फीस भी भर दी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर ली, उनको जो भी कॉलेज में नंबर आया है, जो कॉलेज अलॉट हुई है वो कॉलेज में उनको जाना है। सो अगर मैं बताऊं तो 27,033 स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुई थी, उसमें से ओनली 13,190 स्टूडेंट ने फीस और ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है। सो अगर देखा जाए तो 13,843 स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उन्होंने अभी तक कॉलेज में कोई फीस, मतलब ऑनलाइन फीस पे नहीं की है, उनको अभी जो कॉलेज अलॉट हुई थी वो कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं लेना है, वो वेट कर रहे हैं सेकंड राउंड का। बट सेकंड राउंड कब आएगा ये वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको, सेकंड राउंड कब आएगा। बट अगर बात करें तो टोटली जो 9,000 जो सबसे पहले बाकी थे वो, और अभी 13,843 को मैं जोड़ दूं तो टोटल 24,000 स्टूडेंट ऐसे है, 24,000 स्टूडेंट ऐसे है जिनको एडमिशन नहीं मिला है, मतलब एडमिशन मिला ही नहीं। बट 24,000 स्टूडेंट ऐसे है, 24,000 टोटल 36 अप्रोक्स में से 24,000 स्टूडेंट ऐसे है जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, अगर मिल गया तो उन्होंने लिया नहीं। बट रिजल्ट तो यही है कि 24,000 स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अभी बाकी है। अब ये सारे स्टूडेंट 24,000 स्टूडेंट वेट कर रहे हैं राउंड नंबर 2 का, राउंड 2 कब आएगा। आपका जो सेकंड राउंड है, वो स्टार्ट होगा 17th अगस्त 2020 या 17th अगस्त 2020 के बाद 17th अगस्त 2020 अथवा 17th अगस्त 2020 पछी तमारो बीजो राउंड स्टार्ट थशे। उसका रीजन ये है कि अब तक जो राउंड था वो जीएसईबी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए था, बट अदर देन जीएसईबी बोर्ड, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड से, ऐसे जो स्टूडेंट है जीएसईबी बोर्ड के नहीं है, मतलब अदर देन जीएसईबी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए राउंड अब स्टार्ट हो चुका है, उनका पिन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 31st जुलाई से 4th अगस्त 2020 तक है, और उसके बाद उनको प्रोविजनल मेरिट दिया जाएगा, उसकी कॉलेज अलॉटमेंट का राउंड आएगा, और ये सारी प्रोसेस है 14th अगस्त 2020 तक। अब ये सारी प्रोसेस ख़त्म करने के बाद उनका जो वैकेंसी सीट का राउंड है, आफ्टर फर्स्ट राउंड, उनका जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो वैकेंसी सीट होगी उसका डिक्लेरेशन 17th अगस्त 2020 को है। तो अब गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह डिसीजन लिया है कि जो सेकंड राउंड होगा वो दोनों का साथ में होगा, मतलब जीएसईबी के स्टूडेंट एंड अदर देन जीएसईबी के स्टूडेंट
ये दोनों को मिला के साथ में सेकंड राउंड डिक्लेयर होगा। इट मीन्स सेकंड राउंड डिक्लेयर होगा दोनों के लिए 17 अगस्त 2020 को। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही था कि आपका जो सेकंड राउंड है वो कब स्टार्ट होगा और यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीट अवेलेबल थी, क्या क्या प्रोसेस हुई, अब कितनी सीट बाकी है। अब गुजरात यूनिवर्सिटी के पास 24,000 सीट्स अवेलेबल है, मतलब 24,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। तो अब ये प्रोसेस होगी 17 अगस्त के बाद। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।